फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव स्टाइल मुंबई चैनल। गाइस, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। इंडिया में, भारत के, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको मेरा वैलेंटाइन डे। आप लोग के बीच में सदैव रिश्ता प्यार का बना रहे और आप लोग जन्म जन्म तक एक दूसरे से अपना प्यार भला रिश्ता हमेशा यूं ही ऐसे ही लंबे समय तक निभाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको वैलेंटाइन डे के हार्दिक दिल से बधाई देती हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जा रही हूं, आज वैलेंटाइन डे है और मैं जा रही हूं मंदिर में। यहाँ मुंबई के पास में ही एक गांडवेश्वर शिव मंदिर है, वहाँ पर मैं दर्शन करने में सुबह सुबह हम लोग तैयार हुए हैं जाने के लिए। सोचा मॉर्निंग का टाइम है, मंदिर से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, तो वही नहा धो के हम लोग सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, अभी मंदिर में हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पे ये देखिए, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है गाइस या फ्रेंड्स, बहुत सुंदर। देखिए, मेरा दर्शन मैंने करा है मंदिर का। ये गांडवेश्वर शिव मंदिर है, मुंबई के पास में है। ये अपने आप ही ये मंदिर यहाँ पे आया है। ये प्राचीन मंदिर है, अपने आप ही ये उत्पन्न हुआ है। ये मंदिर के अंदर का छोटे छोटे भगवान यहाँ पे बैठाए गए हैं, जैसे गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं। और ये मंदिर के अंदर में हम लोग बैठे थे, यहाँ फ़ोटो भी खिंचाए हैं और थोड़ा देर बैठे। फिर यहाँ देखिए, मंदिर के पीछे का ये सीन है, ये यहाँ सीढ़ी जो बनी इसी के अंदर से ये जाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा मंदिर का हम लोग ने दर्शन करा, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा दर्शन। और मंदिर भी बहुत सुंदर था और यहाँ का जो नज़ारा है मंदिर का, आसपास में पानी है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, बहुत सुंदर सुंदर व्यू हैं, नज़ारे हैं मंदिर में और बहुत अच्छा जगह है मंदिर का। तो मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। इसको मतलब अभी के टाइम में इसको अच्छे से बनाया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत कोई चीज़ के दर्शन करने में ना। तो इस तरह से देखिए, हम लोग मंदिर में वहाँ दर्शन किए, मैं और मेरे हस्बैंड ने। और ये मंदिर का देखिए, अंदर जाने वाला यही दरवाज़ा है, इसी से अंदर में जाने को ये रास्ता बना हुआ है। तो इस तरह से मंदिर का हम लोग ने पूरा दर्शन किया। पेड़ वगैरह बहुत पहले पहले ज़माने के ये पेड़ हैं। यहाँ बगल में थोड़ा सा पार्क भी था, तो हस्बैंड ने मेरे के साथ में फ़ोटो भी शूट किया, हम दोनों ने एक साथ में मिल करके। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसे पार्क भी है, पानी भी है और घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है। मंदिर के मतलब अंदर में ही ये सब कुछ नज़ारे दिख जाएंगे आपको। बहुत सुंदर सुंदर व्यू है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली ही हरियाली है और बहुत सुंदर नज़ारा है। तो इस तरह से हम लोग ने सुबह के टाइम में हम लोगों ने अच्छे से पूरा दर्शन करा शिव मंदिर का। और ये देखिए, ये पेड़ है यहाँ पे जहाँ मैंने फ़ोटो खिंचा रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे के दिन तो सुबह सुबह हम लोग का मन हो गया कि नहीं चलो थोड़ा मंदिर ही घूमाते हैं, क्योंकि मंदिर से अच्छा है नहीं कुछ भी जगह। और देखिए, शाम को फिर हम लोग गए थे, यहाँ पे पास में ही उत्सव चौक भी था और बाहर में हम लोग ने डिनर भी करा साथ में। अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि कहाँ हम लोग गए थे और मेरे हस्बैंड ने मेरा फेवरेट क्या गिफ्ट दिया, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगी कि उन्होंने आखिर मुझे गिफ्ट क्या दिया, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गिफ्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रही थी आपको, पानी देखिए यहाँ दिख रहा है पीछे में, और इधर साइड में ना बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स भी थी, बहुत ऊँचा ऊँचा व्यू, नज़ारे जो थे ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन था वहाँ पर नज़ारा। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा फुल इन्जॉय करा वहाँ पर। ये रोड जाने के लिए बाहर में बना हुआ, ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसी से अंदर आने का, बाहर जाने का ये रास्ता है। तो ये जो पानी है ना, ये पानी के पास में ही बहुत दूर तक है पानी इसका। और ये देखिए, यहाँ दीप जलाने के लिए बना हुआ स्टैंड, शाम को यहाँ आरती होती है तो वहीं पर ये स्टैंड बना हुआ है। तो हम लोग ने सब जगह यहाँ पे पूरा मंदिर का पूरा, जैसे एक राउंड चक्कर लगाते हैं वहाँ पूरा घूम घूम के हम लोग ने चक्कर लगाया, राउंड लगाया, घूमा फिरा अच्छे से, पूरा फुल एंजॉय किया। वहाँ पे साथ एक आइसक्रीम वाला भी आ गया था और हम लोग ने आइसक्रीम भी खाई थी, क्योंकि धूप ही बहुत है ना यहाँ मुंबई में, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा मंदिर को अच्छे से घूमा। फिर घूमने के बाद में फिर हम लोग घर आए, फिर उसके बाद हम लोग ने अपना डिनर बना, वो सॉरी ब्रेकफास्ट बनाया।
देखिए शाम को ये हम लोग गए थे, यही उत्सव चौक है फ्रेंड्स, ये उत्सव चौक की रात में लाइट इसकी इतनी प्यारी इतनी सुंदर दिखती है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं शाम को जाएंगे और इसको देख कर आएंगे, बहुत अच्छा, जाते डेली थे लेकिन ये मतलब इसके हिसाब से जाते कि वहाँ चलो घूमने ही जाना है, लेकिन उस दिन सोचे कि नहीं यहाँ घूमेंगे, अच्छे से रुकेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो उसी दिन हम लोग ये गए वहाँ पे, घूमा फिरा, अच्छे से टाइम स्पेंड किया, इसको देखा और बहुत अच्छा लगा। वहाँ नाश्ता भी करा हम लोगों ने, मोमोज खाया और वो क्या नाम है, बर्गर खाया, सब खाया वहीं पे। फिर मैं डिनर भी मैंने हम लोगों ने फिर रूम पे आकर के उसके बाद हम लोग फिर डिनर करने गए थे शाम को। बाद में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है कलर, थोड़ा फोटो में कैमरे में ऐसा वाइट वाइट दिख रहा है लेकिन कलर्स में हर तरह का कलर था फ्रेंड, पर्पल था, ग्रीन था, रेड, येलो, सब तरह का कलर था। अब देखिए अब मेरा फेवरेट गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, रोज़। जी हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट है जिसको मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एक गजरा भी उन्होंने मुझे दिया गिफ्ट में, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गिफ्ट है। अगर ये मुझे हर दिन मिले तो मैं हर दिन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन चलिए उनको भी इतना टाइम नहीं मिलता, जब फेस्टिवल रहता है या कोई ओकेज़न रहता है तो अपने हिसाब से वो मुझे ज़रूर ये चीज़ दे देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इन्होंने मुझे दिया, मैं इनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आएँ और जन्म जन्म तक आपका हमारा रिश्ता बना रहे।